उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। अंजलि अर्पित कराने के लिए मैं ले जाऊंगा और उनको वहां पर मैं स्वयं ही व्हील चेयर पकड़कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कराने के लिए उनको लेकर गया था। मैं समझता हूं कि भारत के हर नागरिक का यह जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे शहीद हैं, शहीद हुए हैं, उन शहीदों के परिवारों के प्रति एक सच्चा, एक सम्मान का भाव उनके अंदर होना चाहिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम लोग सरकार में आने की लड़ाई लड़ रहे थे, माने लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं थी, ये चुनावी लड़ाई थी 2014, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और आज के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। हरियाणा में पहली सैनिकों की सार्वजनिक सभा हुई थी और हमारे सारे सम्मानित पूर्व सैनिकों ने आवाज उठाई थी कि वन रैंक वन पेंशन की बात 40 वर्षों से चल रही है, या तो इसकी चर्चा ही बंद हो जानी चाहिए, और चर्चा यदि हो रही है तो हमारे ये तो सैनिकों को दिया जाना चाहिए। उसी समय आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि नहीं, हम सरकार बनने के बाद पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन की सुविधा देंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि सरकार बनने के बाद देर नहीं लगी, 40 वर्षों की जो समस्या थी उसको चुटकी बजाकर हमारे प्रधानमंत्री ने उसका समाधान निकाल दिया। आगे भी उसमें और कुछ भी होना है, कुछ विलंब हो रहा है 1-2 साल का, रिवीजन वगैरह की भी बात चलती है, उसका भी समाधान निकलेगा। मैं जब रक्षा मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा था या जब से करना प्रारंभ किया, तो बीच में यह भी बात आई थी कि साहब 2006 से पहले के जो नायब सूबेदार हैं उनको रिवाइज पेंशन का लाभ नहीं मिलता। यह सारे नायब सूबेदार जो 2006 के पहले के हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जुल्म है। मैंने सारे अधिकारियों को बुलाकर पूछा, लोगों ने कहा था वहां ऐसा होता है। और ऐसे लगभग 75,520 ऑनरेरी नायब सूबेदारों थे जिनको कि लाभ नहीं मिल रहा था। मैंने भाइयों, मैंने तुरंत उसी समय आदेश कर दिया कि 2006 के पहले के भी जो हमारे नायब सूबेदार हैं उनको रिवाइज पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि अब उनको रिवाइज पेंशन का लाभ यह मिल रहा है। साल्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सेना में आए अधिकारियों को उनकी शिकायत थी कि सेवा से मुक्त होने के बाद रैंक लगाने की उन्हें इजाजत नहीं दी जाती। बहनों भाइयों, वह तारीख तो हमको याद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसी दो वर्ष के भीतर की ही बात होगी जब से रक्षा मंत्रालय का दायित्व तो मैंने संभाला है। उनको तुरंत हमने रैंक का उपयोग करने का भी अधिकार दे दिया अपनी तरफ से, मैंने जितना हो सकता था वह करने की कोशिश की है। 50 सालों से यह भी मांग आई कि नेवी और एयरफोर्स के जो पर्सनल के लिए पेंशन रेगुलेशन है वह रिवाइज नहीं हो पाया था वर्षों से। हमने दिसंबर 2020 में ही तीनों सेनाओं के पेंशन रेगुलेशन को रिवाइज करने का भी आदेश दे दिया, इसे भी कर दिया जाए। पहले जब मैं एक बार ऐसे ही फाइल आई, किसी ने कहा नहीं, कोई प्रस्ताव भी नहीं आया था, कोई एक फंड एलोकेशन हो रहा था कि किस काम के लिए कितना पैसा खर्च किया जाएगा। जब एलोकेशन हो रहा था तो उसने कहा ये जो बैटल कैजुअल्टी होती है, बैटल कैजुअल्टी के मामले में लोगों को 2 लाख रुपया दिया जाता, यक्स ग्रेशिया। बहनों भैया, मैंने कहा कि इतनी महंगाई, सब कुछ बढ़ गई, इतने साल गुजर गए, 2 लाख रुपया कब से चला रहा? कैसा भी 25 वर्षों से चला रहा। मैंने कहा कि 2 लाख नहीं, अब इसको बढ़ाकर 4 गुना तो पहले चटपट कर दीजिए और 2 लाख से बढ़ाकर वो 8 लाख रुपया बहनों भाइयों उसी समय मैंने कर दिया आदेश। मैंने पूर्व सैनिकों के पेंशन से जुड़े जितने भी मामले अटके भटके लटके रहते हैं उनका निस्तारण करने के लिए भी एक डेडिकेटेड पेंशन ग्रीवांस सेल है,
वह भी स्थापित कर दिया गया है। और जाहिर हमारे सम्मानित पूर्व सैनिकों को मालूम होगा कि लगभग 97% मामलों का निस्तारण हो जाता है। अब जो बातें मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कहीं पर कोई कमी रह गई हो, यदि हमारे संज्ञान में आएगा तो मैं निश्चित रूप से उसका निराकरण करूंगा। मैं पूरी तरह से आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने पूर्व सैनिकों के मामले में भी बहुत ही संवेदनशील हूं। जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश करता हूं। ECHS की सुविधा, अब तो यह वर्ल्ड वार सेकंड के वेटरन्स इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स के साथ साथ थर्ड सर्विस कमीशन के अधिकारियों को भी देना हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। पहले शायद यह नहीं दिया जाता था ना, पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन इसको भी देना प्रारंभ कर दिया है। मेरा मानना है कि सैनिक हो अथवा पूर्व सैनिक, इनके सम्मान के लिए जो कुछ भी करना होगा बहनों भाइयों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हो अथवा राजनाथ सिंह हो, वह सदैव करने के लिए तत्पर रहेंगे। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरा भरोसा दिलाता हूं। और आज बहनों भाइयों, जब हम लोग कार्यक्रम यहां पर आयोजित कर रहे हैं पूर्व सैनिकों के सम्मान में, तो आपको इस बात की जानकारी है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हमारा भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। बड़े धूमधाम से यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अभी कल झांसी में हम लोग थे, झांसी में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी थे, और आपको जानकर खुशी होगी कि प्रधानमंत्री जी की यह कल्पना थी कि आजादी का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वह साधारण तरीके से नहीं मनाया जाना चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई 19 नवंबर जिनका जन्मदिन है, उस अवसर पर कम से कम 3 दिन का कोई ना कोई कार्यक्रम झांसी में ही आयोजित किया जाना चाहिए और कार्यक्रम कुछ किले में ही होना चाहिए और भव्य कार्यक्रम 3 दिनों तक झांसी में इसी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जो है मनाया गया था। कल प्रधानमंत्री जी वहां थे, रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर इस प्रकार का भव्य कार्यक्रम मैं समझता हूं कि इस देश में कभी नहीं हुआ होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने तो उस रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन सत्तावन में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई उस अवसर पर, क्योंकि जिन लोगों का भी योगदान रहा है आजादी को हासिल कराने में, बहनों भाइयों हमारी सरकार सबको स्मरण कर रही है। जहां तक हो पा रहा है सबके प्रति अपनी सम्मान की अभिव्यक्ति भी कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा, कभी किसी ने सोचा नहीं था भगवान बिरसा मुंडा के बारे में भी सारे देश भर में जयंती मनाई जाएगी आदिवासी समुदाय के, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि अब जो बिरसा मुंडा जी का 15 नवंबर जन्मदिन है उस दिन सारे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा और सारे देश में जनजाति गौरव दिवस मनाया गया और यह प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, क्योंकि आजादी के लड़ाई में हमारे जनजातीय समुदाय का भी बहुत बड़ा योगदान है। इतिहास के पंडों को पलट कर दी कोई पढ़े तब उसे बात समझ में अच्छी तरह आ जाएगी किस प्रकार का उनका योगदान है। बहनों भाइयों, सब कुछ मिलाकर हम लोग मिशन मोड में इस समय काम कर रहे हैं और हम लोगों को यह बात ध्यान है कि हमारे देश के लोगों ने इतना बड़ा बलिदान किया है आजादी हासिल करने के लिए, इसको ऐसे ही जाया नहीं होने देना चाहिए, ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। भ्रष्टाचार, नाकामी, यह सब सारी चीजें कितनी बढ़ गई थी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मिशन मोड में काम करना प्रारंभ किया है वह अद्भुत है।
मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, श्री राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कोई हो, किसी पार्टी का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, उसके प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति भी की जानी चाहिए। एक बार राजीव गांधी जी ने भी कहा था, करें क्या, ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बा मुश्किल 100 पैसे में 15 पैसा लोगों की जेब में पहुंच जाता है। लेकिन आप इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि 100 पैसा ऊपर से भेजते हैं तो 100 का 100 पैसा लोगों की जेब में पहुंचता है, 100 का 99 नहीं होने पाता है। डीबीटी के माध्यम से बंदरबाट की व्यवस्था पूरी तरह से वो समाप्त कर दी है। 18,000 गांवों में इतने वर्षों तक बिजली नहीं पहुंची थी, बिजली पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। यह भी हम लोगों का संकल्प है कि 2024 समाप्त होते होते हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिस व्यक्ति को अपना सिर ढकने के लिए छत न मुहैया हो जाए, ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। हम लोगों का यह भी संकल्प है 2024 समाप्त होने के पहले ही ऐसे हालात पैदा हो जाएं, कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी यदि बीमार पड़ता है, इलाज के अभाव में उसे दम न तोड़ना पड़े, एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था की जानी चाहिए। इसीलिए हेल्थ कवर आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की है हम लोगों ने, यानी प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा और एक वर्ष में यदि वह बीमारी ठीक नहीं होगी तो दूसरे वर्ष भी 5 लाख रुपए में उसका मुफ्त इलाज होगा। यह है आयुष्मान भारत योजना। हर किसान के खाते में 6,000 रुपया सीधे पहुंच रहा। हम लोगों का यह भी संकल्प है कि 2024 समाप्त होते होते हर घर जल होना मिलना चाहिए, और हर घर जल जो मिलना चाहिए वो नल के माध्यम से जल मिलना चाहिए। हर घर में नल और हर घर में जल पहुंचने का संकल्प यह भी हम लोगों ने कर रखा है। बहनों भाइयों, बड़ी से बड़ी चुनौतियों यदि करने की इच्छा है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, चुनौती पर विजय प्राप्त की जा सकती है। कोविड का इतना बड़ा संकट था, इतनी बड़ी महामारी थी, आपने देखा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसे देशों की हालत क्या थी, घुटने टेक दिए। लेकिन यहां पर कोविड की चुनौती को जिस रूप में हम लोगों ने उसे स्वीकार किया, उस पर विजय प्राप्त की, उसकी सराहना भारत में हो अथवा न हो लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में भी उसकी सराहना हो रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सामान्यतः जब कोई आपदा इसकी स्थिति न हो, 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन कोविड के दौरान यह ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़कर एकाएक 10 गुना और बढ़ गई थी, 9000 मीट्रिक टन हो गई थी, 900 से बढ़कर 9000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई थी। कोई सरकार ऐसी संकट की घड़ी में क्या कर सकती है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया कि हम इस कमी को पूरा करेंगे। और आज आपको जानकर खुशी होगी, सारे देश भर की बात तो नहीं करूंगा, 1200 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। और आपको यह भी बतलाना चाहता हूं, 4000 ऑक्सीजन प्लांट 2024 होते होते और यहां पर लग जाएंगे सारे देश भर में। यानी किसी भी प्रकार की आपदा आए तो ऑक्सीजन के कारण कोई भी अपना दम नहीं तोड़ने पाएगा, यह हम लोगों का पक्का भरोसा है। जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, संकल्प है हम लोगों का कि हर राज्य में एक एम्स खुलेगा, यह भी हम लोगों का संकल्प है। कोई भी जिला इस हिंदुस्तान में नहीं बचना चाहिए जहां पर कि एक मेडिकल कॉलेज न हो। यहां पर हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, उनको इस बात की जानकारी होगी, उत्तराखंड में रुद्रपुर, हरिद्वार और इसी पिथौरागढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की मंजूरी मिल चुकी है। शिलान्यास हो गया कि नहीं? शिलान्यास भी हो गया है। हर जिला, देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, यह भी व्यवस्था हो रही है। बहनों भाइयों, भारत में कोरोना के 111 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण हो चुका है, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसकी चर्चा दुनिया के दूसरे देशों में की जा रही है,
कितना बड़ा काम इस भारत सरकार ने इतनी जल्द कैसे कर लिया, और बड़े बड़े धनवान देश जो दुनिया के माने जाते हैं वहां पर अभी यह काम पूरा नहीं हो पाया है। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड भी बन रही है, इस बात की भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, और रेल रोड और एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से मुझे बताया गया है कि यहां भी कुछ काम हुआ है। क्या काम हुआ है अभी मुझे जानकारी नहीं है, और लेकिन सारे देश भर में काम हुआ है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। कुमायूं क्षेत्र में करीब 150 किलोमीटर लंबी सड़क चार धाम प्रोजेक्ट के अंदर बन रही है, यह भी मुझे जानकारी दी गई है। लीपू लेक से होकर लीपू लेक के रास्ते धारचूला होते हुए मानसरोवर तक जाने का रास्ता भी बन गया है, जिसका कि उद्घाटन मैंने कर दिया है। यह सही है, अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। आप चलिए और लीपू लेक से रास्ते धारचूला होते हुए सीधे मानसरोवर तक चले जाइए, और वहां दर्शन करके फिर से पिथौरागढ़ आ जाइए। आपको अब आपको ज्यादा समय नहीं खर्च करना पड़ेगा। यह रास्ता सांस्कृतिक दृष्टि से मैं मानता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस रास्ते को लेकर कुछ लोगों ने नेपाल में भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन बहनों भाइयों, नेपाल का जहां तक प्रश्न है, नेपाल और भारत के बीच दुनिया की कोई ताकत कोई भ्रम पैदा नहीं कर सकती, दूरी नहीं पैदा कर सकती। भारत और नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का रिश्ता है, हमारा नेपाल के साथ एक सांस्कृतिक रिश्ता है। नेपाल के साथ हमारे रिश्तों को कोई तोड़ नहीं सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। अभी हाल में ही वहां के थल सेनाध्यक्ष, नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा आए थे, और हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय में उसमें मैं भी उपस्थित था, सारे तीनों सर्विसेज के चीफ्स भी मौजूद थे। उनके प्रेजेंस में जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी का यह ऑनरेरी रैंक यदि किसी को दिया गया है तो नेपाल के आर्मी चीफ जनरल प्रभु राम शर्मा को दिया गया है। यह है इस प्रकार का रिश्ता कि हमारे देश के भी जनरल के रूप में वह काम करेंगे, इस प्रकार का रिश्ता उनके साथ, नेपाल के साथ हमारा काम कायम है। बहनों भाइयों, पड़ोसी नेपाल भी है, चीन भी है। जहां तक भारत का प्रश्न है, भारत तो बराबर चाहता है कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते हों, लेकिन कुछ ऐसे भी पड़ोसी होते हैं जिनके समझ में बात नहीं आती कि पड़ोसी के साथ हमको कैसा व्यवहार रखना चाहिए। लेकिन एक पड़ोसी जो वेस्टर्न बॉर्डर, यानी जो बहुत पुराना हमारा, हमारे साथ अनावश्यक जब से भारत से अलग हुआ है, उस पड़ोसी को समझ गए होंगे, समझ गए हैं कि नहीं समझ गए, कौन है? पाकिस्तान। बराबर आतंकवादी हरकतों के माध्यम से भारत को कमजोर करने की, भारत को डिस्टेबलाइज करने की वो कोशिश करता रहा था, लेकिन बहनों भाइयों कर नहीं पाएगा। अब उसको हम लोगों ने संदेश दे दिया है कि यदि ज्यादा गड़बड़ करोगे तो हम सीमा पर ही नहीं, सीमा के पार जाकर हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। यह संदेश हम लोगों ने दे दिया है। भारत अब कमजोर भारत नहीं है, एक और पड़ोसी है। जैसा मैंने कहा कि हम तो बराबर पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते ही बनाकर चलना चाहते, लेकिन कुछ लोग पता नहीं समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, या आदत बन गई है, स्वभाव है, क्या है मैं नहीं जानता। लेकिन इतना ही आपको बतलाना चाहता हूं, और जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, हमारा अपने सेना के अधिकारियों से, सेना के जवानों से बराबर लाइव कांटेक्ट यह बना रहता है। जो कुछ भी सरकार के स्तर से किया जा सकता है, किया है, करते रहेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, भारत का इतिहास रहा है, भारत की सांस्कृतिक परंपरा रही है कि हमने न तो दुनिया के किसी देश पर कभी आक्रमण किया है, और न तो दुनिया के किसी देश की एक इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत का चरित्र यह रहा है। लेकिन दुनिया का आदि कोई भी देश भारत की एक इंच जमीन पर कब्जा करने की जरूरत करेगा
तो भारत आज उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। 1971 की जो डिफाइनिंग विक्ट्री रही है उससे भी आप सब अच्छी तरह परिचित हैं। किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। जहां तक उत्तराखंड का प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के बारे में कहना चाहूंगा, मैं देखता हूं स्वभाव से भी बहुत ही सहज हैं, सरल हैं, लेकिन जब इन्होंने खड़े होकर मुझे बताया कि हमने 400 तीन चार महीने के अंदर 400 घोषणाएं कर दी, तो सचमुच हमको तो आश्चर्य हुआ कि मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, इतनी जल्दी जल्दी इतने 400 निर्णय ले ले, यह कोई छोटी बात नहीं है। उधम सिंह नगर में एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनाया जाएगा, इसका भी फैसला शायद कर दिया, ये अच्छी बात है। और खिलाड़ियों का दैनिक भत्ता भी इन्होंने बढ़ाकर 225 रुपया कर दिया, कितना हो गया 225 बताइए। और 10 वर्ष से कम सेवा वाले कार्मिकों को वेतन में 2000 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी, और 10 वर्ष से अधिक सेवा वाले कार्मिकों के वेतन में 3000 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि इन्होंने कर दी। ग्राम प्रधानों का भी मानदेय बढ़ा दिया, 1500 से बढ़ाकर 3500 कर दिया, ग्राम प्रधान ठीक तरीके से जनता की सेवा करें, भाव उसके पीछे यही होगा। आशा कार्यकर्ताओं का भी, उनका भी मानदेय 1000 रुपये से बढ़ा दिया गया है। हमको जो जानकारी दी गई है कि अब तक 300 फैसले ले चुके हैं, लेकिन आज जब हम जो हमारे यहां तैयार किया है लोगों ने, जब तैयार किया होगा तब 300 रहे होंगे, आज जब ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे आज इन्होंने बताया 400 कर दिया। ताबड़तोड़ पुष्कर धामी बैटिंग कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। अभी तो एक 2020 वाला मैच खेल रहे हैं, लेकिन मेरे बहनों भाइयों कम से कम 5 साल का टेस्ट मैच तो जरूर निश्चित रूप से होना ही चाहिए। अब इनका टेस्ट किया जाना चाहिए तो 5 साल का जो मैच होगा उसी में किया जाना चाहिए। अभी 2020 वाले में इनको क्या, इनको टेस्ट मत करिए, ये तो अच्छा खेल ही रहे हैं, ये तो देख लिया आपने, 5 साल का एक बार इनको मौका मिलेगा तो अच्छा काम करेंगे जैसा मेरा विश्वास है। पिछली बार जब मैंने आया था तो मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा था कि धाकड़ बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज, लेकिन आज चूंकि 2020 वाला यह मैच खेल रहे हैं तो आज तो मैं कहना चाहूंगा सचमुच ये जो बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनकी तरह अच्छे फिनिशर हैं, उनकी तरह एक अच्छे फिनिशर हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी राज्य की चिंता करें, लेकिन इस उत्तराखंड राज्य में हमारे सैनिक परिवारों की, जो सैनिक सीमा पर इस समय अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं उनके परिवारों की चिंता करें, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं उनकी चिंता करें, जो शहीद हो गए हैं उनके परिवारों की सदैव चिंता करें। मैं समझता हूं कि देश के शहीदों के प्रति यही श्रद्धांजलि होगी और देश के बहादुर जवानों के प्रति यही सम्मान होगा। इसी भाव को लेकर वह आगे बढ़ें, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबके प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए और देश के शहीदों के प्रति भी सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए और उनकी स्मृति को नमन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।